करते हैं आप? काम तीनों एक ही साथ जाते हैं। अच्छा, एक मार्बल का काम करते हैं? मार्बल की फैक्ट्री। मंथली क्या कितना कमा लेते हैं आप? मंथली सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। नहीं मतलब क्या कितने दिहाड़ी के हिसाब से करते हैं या पर डे के हिसाब से या मंथली आपको सैलरी मिलती है? वीकली मिलती है। पर वीकली? अच्छा, वीकली क्या मिलता है आपको? 300 यूरो। 300 यूरो, दैट्स गुड। या तो एक्सपेंस कितने आ जाते हैं महीने बाद, कितना बचा लेते हैं? 300 स्पेंड कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, बाकी आपको फिर जो बचता है वो 900 समथिंग वो बच जाता है, राइट? सही हो गया। तो अभी आप खुश हैं? मतलब कोई वापस जाने का इरादा है? अभी जा रहे हैं वापस नेक्स्ट मंथ। अच्छा, गठे जा रहे हैं सभी? असर बता रहे थे वापस जाने का फैसला क्यों किया? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर टू यू व्लॉग। अज जी साढ़े नाल पंजाबी भाई ने पंजाबी गल करांगे, पूछांगे कितों दे ने, इंडिया तो ने, बाकी पूछांगे इंडिया तो कितों दे, ठीक है? सबसे पहले जी की हाल है तुहाडा? ठीक हो? वधिया जी वधिया। कितों दी तुसीं सर? असीं पंजाब तो। पंजाब एग्जैक्ट जगह दस दिओ। फिरोजपुर तो। फिरोजपुर? हाँ। सॉरी, मेरी पंजाबी में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ गई। मैं कश्मीरी तो मैं कश्मीरी बोलूँगा तो पंजाबी को समझ नहीं आ गई, तो इसी में सोच रहा हूँ उर्दू में बात करूँ। ये भाई पंजाबी में जवाब देना चाहते तो पंजाबी में दे सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं आपको कितना टाइम गए इधर आए हुए? मैनू 3 साल हो गए भाई। 3 साल? तो कौन से वीजे पर आए थे इधर? स्टूडेंट वीजे थे। अभी भी आपका स्टेटस स्टूडेंट ही चल रहा है या फिर कोई और स्टेटस है? स्टूडेंट। अच्छा, अभी को काम कर रही? हाँ, काम करता हूँ। कौन सा काम कर रहे हैं? मैं मार्बल का काम करता हूँ। माशाल्लाह जी, स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, मार्बल का काम कर रहे हैं, 3 साल के आए हुए। अच्छा, आपके टोटल एक्सपेंस कितना आया था इधर आने पे स्टूडेंट वीज़े पे? साढ़े इंडिया तो 5 लाख लग गया है। इंडियन 5 लाख, तो पाकिस्तानी कर रहे 10 लाख समथिंग, यही है? सही है। अच्छा जी, ये बताएं 3 सालों में आपने कितना मतलब इन्वेस्ट पैसा कमा लिया है? जो दिए थे वापस आए कि नहीं आए? नहीं, कमाई कमाई का ना नहीं है जी, बस टाइम पास हो जाता। वधिया। ये कंट्री कैसी है वैसे आप? नहीं, बहुत बढ़िया कंट्री तो, बहुत बढ़िया। अगर बंदे को वर्क परमिट हो या रेजिडेंसी का हो जाए तो फिर बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 साल में अपने इंडिया भी वापस गए कि नहीं गए? नहीं नहीं, हाले नहीं गए। अच्छा, क्यों नहीं गए? 3 साल हो गए, याद नहीं आती घर वालों की? वैसे नहीं, याद तो आती है, बस हम जाना नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जाना है? जाओगे वापस, आओगे फिर या रुकना? नहीं, आऊँगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारे इंडियन भाई है जी माशाल्लाह। नाम क्या बताया था आपका? मेरा सेवक। सेवक? सेवक। सेविक जी, मुझे सॉरी गलत बोल गया, माजरत यार। नहीं कोई बात नहीं, माजरत की इंडियन भाइयों से अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। अच्छा, हमारे दूसरे भाई इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सॉरी उसी यार, सत श्री अकाल। हां सॉरी जी, माजरत प्रॉब्लम है। थोड़ा ना की है सर? जसकरण। अच्छा जसकरण, तुम्हारी उम्र कितनी है? 35 26 ईयर। 26 कितने टाइम में गए थे? मनो 3 ईयर हो गए थे। स्टूडेंट वीजा? तुसी स्टूडेंट वीजा, ठीक है। कितना खर्चा करके आए सी? 6 लाख समथिंग। 6 लाख समथिंग। आप इस इनसे ज़्यादा कि सेम सेम आए हैं? ये फिरोजपुर तो आए, पहला आए मैं तो 6 मंथ। सही है। हाँ, मैं बाद च आया जी। ये दसो एजेंट तक की इसने हाथों दे ऊपर नीचे एजेंट ही करते हैं या लीगली पैसे खर्चा ही ना आंदे? इंडियन तो तुहानू पता ही है जिदा ट्रैवल एजेंट होंगे जी जी, फाइल तो उन्होंने अप्लाई करनी होंगी है कि इत्थे की पता कि किहड़ा किदां की करदा। सही हो गया। अच्छा, इत्थे आ के तुसीं मतलब खुशी महसूस कर रहे हो? अच्छा फैसला सी या नहीं सी? कि मतलब तुहाडी फीलिंग की है? वधिया है, जो भी है, चलो बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, नहीं कि अभी पैसे खराब किए, बड़ा कुछ सीखा भी इतने आ गए। अच्छी गल, बहुत अच्छी गल। असल में बात यह है कि अगर आपने जो टाइम तो स्पेंड कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने टाइम ज़ाया कर दिया, पैसे भी ज़ाया होते हैं लेकिन टाइम आपका ज़ाया नहीं होता। पैसे मानते हैं कि आपके चलो लग गए वो लग गए, लेकिन आपको ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। परदेश कोई किसी भी कंट्री में चले जाए ना, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये मेरे भाई इनसे सुनी बात, आपने सुन ली है। अच्छा, कुछ काम करते हैं आप? काम तीनों एक ही साथ जाते हैं। अच्छा, एक मार्बल का काम करते हैं? मार्बल की फैक्ट्री। मंथली क्या कितना कमा लेते हैं आप? मंथली सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। नहीं मतलब क्या कितने दिहाड़ी के हिसाब से करते हैं या पर डे के हिसाब से या मंथली आपको सैलरी मिलती है? वीकली मिलती है। पर वीकली? अच्छा, वीकली क्या मिलता है आपको? 300 यूरो। 300 यूरो, दैट्स गुड। या तो एक्सपेंस कितने आ जाते हैं महीने बाद, कितना बचा लेते हैं? 300 स्पेंड कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, बाकी आपको फिर जो बचता है वो 900 समथिंग वो बच जाता है, राइट? सही हो गया। तो अभी आप खुश हैं? मतलब कोई वापस जाने का इरादा है? अभी जा रहे हैं वापस नेक्स्ट मंथ। अच्छा, गठे जा रहे हैं सभी? असर बता रहे थे वापस जाने का फैसला क्यों किया? मालूम है आपको यहाँ कोई फ्यूचर तो है नहीं जी, बिल्कुल यही है। पैसे पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है यहाँ पे। सही बात है जी, बिल्कुल। मैं भी इसी जो तो इंडियन है ये स्टूडेंट वीज़े पे इधर लीगल रह रहे हैं, मतलब इनको कोई इशू नहीं है। जो पाकिस्तानी भाई हमारे आ रहे हैं, मतलब डंकी लगा के नौ से इधर आ रहे हैं, ठीक है, फिर इधर आके रहना है, काम किसी को काम नहीं मिल रहा। तो ये तो जी ये भाई हैं जो हमारे ये वापस आ रहे हैं, इंडिया वापस आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 3 साल के इनके स्टूडेंट वीज़े पे, हालांकि ये इधर मतलब लीगल रह रहे थे। जो स्पेशली हमारे पाकिस्तानी डंकी लगा के आते हैं, तो उनको तो मैं स्पेशल ये नसीहत करूँगा, आप ये गलती ना करें। आपने जो 10-12-15 लाख लगा के इधर आना है, तो बेहतर ये है कि इधर भी आएँ, लेकिन लीगल आएँ। लीगल वे है आपके पास, तो वो वर्क परमिट भी देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा भी आपको मिल जाता है, लेकिन मिलता थोड़ा मुश्किल से, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। अगर करना है तो वो फिर लीगल वीज़े पे आएँ, ठीक है। नहीं तो आप किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ जहाँ आपका फ्यूचर बन सके। इधर आएंगे 5 साल 10 साल 20 साल भी रहने सर, आपका कुछ नहीं बनेगा इधर। जस्ट आपने वापस अपनी कंट्री बाद में जाना है। आपके फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ भी हो जाए, माँ बाप बहन भाई पे कुछ हैपन हो जाए, तो कैसे वापस जाएंगे ये बताएं। वो पैसे ये आपको सदमा सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो मेरी काइंडली ये रिक्वेस्ट है, ये गंदा काम ना करें, ये अपने मुल्क की भी बदनामी होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि इनकम से आपका बनना भी कुछ नहीं है। जो आए हुए हैं वो पछता रहे हैं। ये मेरे भाई ये देखिए लीगल स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, इन्होंने फैसला करिए मैंने वापस जाना, क्योंकि इधर फ्यूचर कोई नहीं है, ठीक है। पैसे तो छोड़, ठीक है, थोड़े कमाए, ज़्यादा कमा लिए, जो कमाना था वो उन्होंने कमा लिया, लेकिन फैसला यही किया कि इसमें फ्यूचर कोई नहीं है। एक और हमारा बंदा भाई है, उनसे भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, वो भी वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो उनसे भी पूछेंगे उनके वापस जाने का रीज़न क्या है। तो अच्छा भाई, आपने 3 सालों में कितना कमाया, मतलब जो लगा के आए थे वापस हो गए पैसे? जब फर्स्ट ईयर में आया था तब तो लॉकडाउन था, सही है, सभी बंद था कारोबार। लॉकडाउन में आपको बेनिफिट नहीं मिले थे इधर? कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा, ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हमने भी कभी ट्राई नहीं किया। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, अभी आपने जाने का इसलिए फैसला किया क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं है? मतलब 3 ईयर का कोर्स था, वो कंप्लीट हो गया अभी, सही है। अभी इसके बाद एक्सटेंड तो होगा नहीं, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, आप दोबारा जाके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं? दोबारा से अब डिप्लोमा किया, डिग्री ले सकता हूँ, डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। वो क्या बोलते हैं, अभी बीएससी है, हाँ। उसके बाद कोई भी ग्रेजुएशन ले सकता हूँ, लेकिन आपको मालूम है उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। हाँ, तो सही बात है, नो सेविंग। सही बात है, सही बात है। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनजीत सिंह। बनजीत सिंह, ओके सर। आप भी पंजाब एक ही जगह से? अब मैं अमृतसर तो हूँ, गुरदासपुर तो और फिरोजपुर तो। ठीक हो गया, अमृतसर से भाई जी। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੈਸੇ? ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 5-6 ਲੱਖ ਹੋ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5-6 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੀਗਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ? ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बात यही हो रही थी कि आप लीगल वे यूज़ करें, ठीक है। कि सरदार साहब ने ये भी बता रहे थे कि चाहे इंडिया से करें चाहे पाकिस्तान से करें, आप लीगल वे यूज़ करें। हमारे माइक को प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए हम माइक को उतार दिए, तो अभी देसी तरीके से कर रहे हैं वैसे, ठीक। अच्छा जी, सबको मैसेज यही था, तीन जो सरदार भाई हैं सभी का मैसेज यही था लीगल वे यूज़ करें। तो अभी इनसे कुछ इसके अलावा बात करते हैं। लाइक अच्छा जी, ये बताइए आप कभी पाकिस्तान आए? नहीं। अच्छा, इस टॉपिक में बात पर ये दादी मैं टॉपिक में बात कर सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं है वैसे, लेकिन मेरा मकसद किसी को मतलब हर्ट करना नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को सवाल पूछना नहीं है। बंदा को ना जवाब देना चाहिए तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लाइक प्यार की बातें करनी, कुछ और नहीं करना वैसे, ठीक है। अच्छा, वैसे आप क्या थिंकिंग रखते हैं पाकिस्तान के बारे में स्पेशली? अच्छे सारे अच्छे हैं, इतने इकट्ठे रहने हैं। साढ़े को एक भरा रहा पाकिस्तानी, बहुत वधिया है, सही है, तो साढ़े नाल वधिया सलूक करदा, आपां भी उहदे नाल वधिया रहने। हाँ जी सही हो गया जी। थोड़ा की नज़दीक ख्यालात ने पाकिस्तान के बारे स्पैशली? मेरा बहुत वधिया है, मैं जिथे रहना ना कादियाँ सुनिया होना तुम, कादियाँ मिर्जे दियाँ कादियाँ उत्थे मोस्टली पाकिस्तानी रहिंदे आ, मुस्लिम रहिंदे आ। वो वंड तो पहला दे उत्थे मूव होए जिहड़े ओह आ ते ओह सारा शहर अद्धा हाफ उत्थे पाकिस्तानी आ ते उत्थे मेला लगदा साल बाद, पाकिस्तान तो डेली एज अ टूरिस्ट आउंदे उत्थे, वधिया लगदा वेख के। मिल के मेरे फ्रेंड भी हैगे तीन चार पाकिस्तान तो। सही है, बेहतरीन है, अच्छी चीज़ है। सदाई तुहाडा की मतलब कोई दो चार लफ्ज़ पाकिस्तान वास्ते? पाकिस्तान वास्ते ही बस पाकिस्तान आउण ते दिल करदा पर आपां ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵੈਲਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ ਭਾਈਓ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਯੂ ਵਲੌਗ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ चैनल ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਯੂਰੋ ਵਲੌਗ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ जी कह दियो कश्मीर टू यूरो व्लॉग। ओके कश्मीर टू यूरो व्लॉग जी जी ए सब्सक्राइब कर दियो। ओके ये वीडियो देख लिया करो, इसी अपने बंदे ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ यूरो व्लॉग, कश्मीर टू यूरो व्लॉग सब्सक्राइब एंड फॉलो। ਆਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਸਰਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਯੂਰਪ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। तो इन्होंने असं सडनली मिले हाँ, इतने आए हाँ, सूँ मिल गए ने, सोचा इन्होंने गलबात करते हाँ। ठीक है नाले इन्हों के ख्याल की ने पाकिस्तान के बारे, दूजा ही अपनी लाइफ से किसे सर्वाइव कर रहे हैं वो तो दसते हैं। जे बंदे शौकीन ने उस यूरोप आने के इलीगल उन्होंने असं कोई मैसेज लिया दें। होप करदा कि तुहानू मैच वीडियो चंगी लगी होगी। अच्छा एक होर गल माजरत नाल कोई बंदा इस गल ते कमेंट नहीं करना कि विच मैंने उर्दू सटी है विच पंजाबी सब कुछ, असल ये पंजाबी बोलते हैं फिर मैं पंजाबी आ जाता, फिर मैं उर्दू, फिर कश्मीरी समझ आती माजरत। तो होप करना वीडियो तुहानू चंगी लगेगी। इंशाअल्लाह नैक्सट वीडियो वेट करना, फिर तुहानू मिलांगे अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।